मेरे को एक तो इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड गाड़ी चल गई थी 647 किलोमीटर फुल टैंक में एंड एवरेज इस गाड़ी का मुझे अच्छा लगा। मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये लगी है ड्राइविंग प्लेस अच्छा मिलेगा बाकी गाड़ियों से, स्टेयरिंग व्हील कितना था। सो जी क्या हाल है गैस, कैसे आप सब? मैं हूँ सैम यादव, उम्मीद कर तो सब बढ़िया होंगे आप सब। जैसे कि आपने अभी देख लिया है आज आपके सामने मैं वॉक्सवैगन की पोलो लेके आया हूँ, मैं हाईलैंड टॉप मॉडल 2012। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी चाबी से बात करते हैं, ये है इसकी चाबी फ्लिप की है, स्कोडा की भी ऐसी है। हाँ स्कोडा की भी ऐसी है ना, सब एक ही तो है, वॉक्सवैगन ऑडी स्कोडा सब एक ही है। ये सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये वाली गाड़ी पेट्रोल है 2012 मैनुअल 1.2 TSI एंड ये मैंने अभी भाई ये भी प्योर गाड़ी ली है, ठीक है हो गया हफ्ते दो हफ्ते हो गए इसको लिए हुए। सो मैं प्लान तो था नहीं लेने का, बट मैं देख रहा था कोई अपने लिए छोटी गाड़ी, आपको पता है मैं कैमरी चलाता हूँ एंड मुझे छोटी गाड़ी चाहिए थी, है मेरे पास और भी गाड़ी है बट उनमें मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे कोई दूसरी गाड़ी चाहिए थी मुझे। सो मेरे दिमाग में यही आया कि पोलो ले लूँ मैं एक बार, देख लेता पोलो चला के। तो सो मैंने चलाई थी, मैंने GT चलाई मेरे दोस्तों के पास, GT TDI तो वो मैंने चलाई है, बट उनमें अलग फील था एंड ये मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था इस पर, बट मैंने चलाई है तो मुझे अच्छी लगी। सो मैंने अभी ले ली, देखो 3-4 मैंने पोलो चलाई थी जिनमें सबसे अच्छी कंडीशन मुझे इसकी लगी, साफ सुथरी गाड़ी। एंड जैसे कि मैंने ये गाड़ी मेरे को एक तो इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे पास स्कोडा है आपको पता होगा ऑक्टेविया, तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी गाड़ी की। तो मतलब मैं वो बात की बात बताऊंगा, मैं आपको पहले इसका रिव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। आगे से देखो ऐसी दिखती है, अभी वाली में तो ये दो आने लगी है, इसमें तो H4 बल्ब लगता है, अभी वाली में तो अलग लो बीम का अलग है हाई बीम का अलग है। एंड ये आगे नीचे फॉग लैंप्स आ गए इसके एंड ऐसी लाइट दिखती है इसकी। 2014 में वो क्या था, फेसलिफ्ट हो गई थी ना? हाँ, बट यार ज़्यादा नहीं है अलॉयज। हाँ बट पोलो में यार देख, वो तो देख अभी मॉडिफिकेशन करा दो उसमें, ये भी वैसी बन जाएगी। हाँ, ये तो है, ये नहीं है ऐसा कुछ जैसे बाकियों में नहीं है हुंडई डिजाइन वजाइन में चेंजेस। हाँ अभी तो 10-12 साल से ऐसी ही है गाड़ी। यहाँ पे इंडिकेटर आ गए, यहाँ पे इंडिकेटर नहीं आते, ये अपने मैनुअल है एंड ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है यहाँ पे, ये खुल जाता है, मतलब इसका कोई बटन नहीं है, यहीं से खुल जाता है ये। एंड पीछे वाइपर आ गया अपना, ये हो गया पीछे से आपको देख लो, एंड ये देखो, ये देखो सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, ये इसका बूट स्पेस ये देख ही सकते हैं आप। एंड इसको कर देता बंद, देखो कितनी हैवी है यार डिफोगर। एंड हाँ तो इसमें जैसे इसकी कंपेटिटर कौन है, i20 हो गई, i20 Altroz Shift भी तो इसी के साथ आती थी। हाँ, साथ तो उन सबसे बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, हैवी लगती है गाड़ी दिखने में एंड भगने में, सबको पता ही है पोलो भक्ति बहुत अच्छी है। मैंने नहीं सोचा था इतनी भक्ति, क्योंकि यार 3 सिलेंडर आती है गाड़ी, 4 सिलेंडर नहीं है। एंड इंटीरियर से देख ले तो ये है इसका गेट, उस टाइम पे 2 ही आते थे पीछे के अलग दिए हुए, पीछे के जो अपने पे यहाँ पे बटन्स, पीछे के ये बटन्स है, ये पीछे के बटन, उधर भी बटन है, आगे नहीं दिए हुए ड्राइविंग साइड और को ड्राइवर के दिए हुए। एंड यहाँ पे देख लेते हैं आपके स्विचेस आ जाते हैं इसके साइड में करके आ जाते हैं स्विचेस, इनको एडजस्टेबल कर लो। एंड ये हो गए डोर अनलॉक्स के बटन हो गए एंड ये आपका अपना बढ़िया मेटल का आ गया, मेटल ये प्लास्टिक ही है, वोमिंग है बस, वोमिंग है ना। एंड ये सब प्लास्टिक ही आता है इसमें, ये बस थोड़ा सा कपड़ा लगा दिया इसमें, क्लोथिंग हो गई और अंदर से बैठ के देख लेते हैं गाड़ी। ये देखिए भाई बिल्कुल इसमें बिल्कुल आ गया ना एकदम, ऐसा लगता है जैसे पैक हो गए आप किसी सेफ जोन में, है ना सनी? बाकी कोई आवाज़ नहीं, सेफ जोन में बिल्कुल पैक हो गए हो। ये भाई अपने शायद ये वो लगा हुआ इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ ब्लॉक पंखा स्टीरियो, नहीं तो वैसा नॉर्मल आता है इसमें। एंड इसको चाबी लगा लेते पहले हम लोग, ये चाबी लगा लेते हैं। सोचिए फिलहाल अभी अपना गाड़ी स्टार्ट कर ली है एंड इसको कर लेते थोड़ा सा कम आवाज़ कर दाना इसी। सो जैसे आप देख सकते हैं स्टीयरिंग इसका आता था बिल्कुल नॉर्मल सिंपल, कोई बटन नहीं, नो क्रूज कंट्रोल, ओनली सिंपल, आपको बस ये गाड़ी में ड्राइविंग प्लेजर अच्छा मिलेगा,
बाकी गाड़ियों से। स्टीयरिंग व्हील का इतना लाइट नहीं है ना टाइट बोल सकते आप। इलेक्ट्रॉनिक आता है, ओके ओके है, अपना जैसे स्पोर्ट्स के लिए हो गया उस टाइप के लिए गाड़ी बनी हुई है। कंफर्ट इसका ठीक ठाक है गाड़ी का। एंड मेन चीज़ जो गाड़ी इस गाड़ी को चलाएगा वो ड्राइविंग के लिए ही चलाएगा इस गाड़ी को। अब मैंने गाड़ी ली है, मैं ही गाड़ी चलाता हूँ, तो भाई मुझे इसका स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा लगा यार। मतलब आप यूँ घुमाओगे ना तो गाड़ी यूँ एकदम से घूम जाएगी, कोई आपको ये नहीं होगा कि भाई थोड़ा सा लैग दिया गाड़ी ने कुछ वैसा दिया है। मैकेनिक अच्छा मुझे इसका लगा है। रिस्पांस टाइम अच्छा, रिस्पांस टाइम हाँ सही में कनेक्टेड है ये, है ना कनेक्टेड है, हाँ। बढ़िया। अब इसमें देखो मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये लगी है इसमें, ये नहीं है, क्या नहीं है? जगह कम है, कसी हुई गाड़ी है ये, बस यही लगे मुझे, बस कसी हुई गाड़ी। एसी इसका बिल्कुल चिल्ड है। प्योर मैंने गाड़ी ली है एंड मैं बता दूंगा उसमें, इसमें है थोड़ा सा काम है, मतलब शॉकर सस्पेंशन का थोड़ा सा काम है, वो उसकी मैं वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कैसे क्या हुआ है काम। एंड गियर आप देख सकते हैं, गियर्स का मतलब बहुत अच्छा लगा। ये देखो जैसे शीशे का नहीं होता ये, मेटिक बढ़िया है। हाँ एंड क्लच इसका जो है, क्लच थोड़ा लंबा, बाकी गाड़ी जो है ना इसका ट्रेवल जो है ना लंबा है। एंड लाइट भी क्लच है इसका। एंड इसका ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आता है इसका, दोनों नीचे भी आता है ऊपर सामने भी दिखा देता हूँ आपको। टिल्ट एंड टेलीस्कोप, ये देखो टिल्ट हो गया, टेलीस्कोप ये हो गया, ये देखो हो गया। एंड ये लाइट का रिस्पॉन्स ज़्यादा मुझे खास नहीं लगा, मैं इसके हेडलाइटर चेंज करवाऊंगा, जो अभी न्यू वाली पोलो की हेडलाइट्स आ गई ना वो वाली लगवाऊंगा उसमें मैं, है ना। आपको एसी का थ्रो कैसा लगा? एसी का थ्रो बढ़िया है यार, क्योंकि जर्मन गाड़ी है तो भैया इसमें लाइट का कंट्रोल यहाँ पे, इंडिकेटर यहाँ पे एंड वाइपर्स यहाँ पे, एंड हेडलाइट का आपको पता ही है स्विच, ये ऑफ, ये पार्किंग, ये लो बीम, ये फॉग लैम्प, ये पीछे की वो होगी फॉग लैम्प की, इसको कर दिया बंद, ये होगा लेवल आपका आ गया। एंड 240 की स्पीड लिमिट है इसमें गाड़ी में, आप देख सकते हैं अभी गाड़ी में आधी से एक टंग एक वो पॉइंट नीचे हो गया। एंड गाड़ी चल गई थी 647 किलोमीटर फुल टैंक में, अभी बचा हुआ अभी भी कितना चलेगी देखो। एंड गाड़ी मैंने चली है 68,000 पर जीत ली थी मैंने, 1,000 किलोमीटर मैंने चला दी गाड़ी एक हफ्ते में। एंड एवरेज इस गाड़ी का मुझे अच्छा लगा, बाकी के लोग तो पता नहीं क्यों क्यों बोलते कि भाई अच्छी एवरेज नहीं है इसकी, मुझे तो एवरेज अच्छी लगी गाड़ी की। एंड हमने कितनी चला दी इसको, 1,000 किलोमीटर चल गई लगभग। हाँ सही, अप एंड डाउन इतना किया आराम से एवरेज आ गई इसमें। वही तो, ये देखो यहाँ पे शीशा मिल जाता आपको, एंड यहाँ पे आपका लाइट सिंपल लाइट है, कोई वैसे नहीं है ये, बस यही है, कोई वो नहीं, पीछे लाइट नहीं आती इसमें। एंड यहाँ पे शीशा है नहीं, डैशबोर्ड इसका वही है, जो डैशबोर्ड भी बिल्कुल वही अपना जैसा आता नॉर्मली, वही चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस किए कंपनी ने, कलर वाला यहाँ से ग्रे सा हो गया, ग्रीन आ गई है, बस एक क्रोमिंग का टच अच्छा लगता है इसमें। हाँ ये ना, एंड ये अपना नॉर्मल प्लास्टिक आता है, ठीक है, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट। 2021 में पोल आई है उसमें तो यहाँ वो कूलिंग ग्लव बॉक्स आ गया है, स्पेस अच्छा है इसमें वैसे, नहीं स्पेस काफी है, बहुत सामान है, स्पेस बढ़िया है। सिक्स गियर आते हैं, आर्मरेस्ट आता उसमें अभी वाली में ना, हाँ टर्बो भी आ गई, ये तो नॉर्मल है, नेचुरल एस्पिरेटेड वाली है, ये फिफ्थ गियर वाली है, पांच गियर आते हैं इसमें, एंड हैंड ब्रेक गियर है इसका। एंड यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ उसमें वो हाथ रखने वाला आर्मरेस्ट होता ना वो लगवा लूँ यार, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। नहीं एंड यहाँ पे आपको कुछ आपके वो मिल जाते हैं कप होल्डर्स, एंड पीछे भी स्टोरेज है, ठीक है। एंड ये आपको मिल गया आपका चार्जिंग सॉकेट, ये आपका अपने एसी के कंट्रोल्स हो गए। एंड इसमें कोई फंक्शन वंक्शन नहीं है, ऐसी नॉर्मल है ये, सिंपल है ये भी, जो अभी वाली है उसमें आ गया ना वो फंक्शन आ गया ऑटोमेटिक ना। हाँ ये तो ब्लॉक पंक है, इसको ठीक करूंगा, इसका ब्लॉक में डालूंगा आपको दिखाऊंगा क्या है। बस अभी इसका रिमोट से भी जो बहुत थोड़ा बहुत चल जाता है, देख सकते जैसे ये ना रेडियो है, रेडियो आ गया, साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है पर वो है अभी चल नहीं रहा ढंग से, कोई काम नहीं। हाँ वो तो अच्छा वहाँ सेटअप हो गया फोन, हाँ है ना। चलो एक बार पीछे ले आके दिखा देता हूँ मैं गाड़ी का, आप सवाल सुनो कैसे कर गई आवाज़, ये देखो। चलो भाई बैठ जाते हैं, भाई मेरी हाइट होगी 5'8" होगी या 5'9" हाइट है। एंड देखो आप देख सकते हो मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे हिसाब से एडजस्ट की हुई गाड़ी सीट। एंड ये भाई 6 फुट है ये, तो देख लो ये भी स्पेस तो है यार, ठीक ठाक है, थोड़ा सा स्पेस कम लगेगा बट ठीक है यार, बस थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे लगेगा। हाँ एंड ये बीच में हम्प दे दिया बड़ा सा, जर्मन गाड़ी में ये तो होता ही है, ये आपके विंडो के स्विचेस हो गए ये देखो, एंड ये आपके भाई हेडरेस्ट हो गए, बीच में भी कोई, हाँ यहाँ पे भी कोई आम रस्ते हैं ना, जैसा I-20 में आता है।
हाँ एंड ये भाई आपके स्टोरेज के लिए होगा कुछ कुछ, डिग्गी तो आपको खोल के दिखाई दी है ठीक है। एंड इसमें यहाँ पे सीट बेल्ट्स भी आ जाती है। कैबिन नॉइज तो यार होगी इसमें अच्छी यार, जर्मन गाड़ी इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, डैम्पिंग भी इनकी अच्छी होती है ना। एंड यहाँ पे देखो आपको जैसे थैली वैली या कोट वोट रखना हो तो उसके लिए भी जगह है, वैसे होती है यहाँ पे जगह बट यहाँ पे दी हुई है। इसमें जर्मन से यार जर्मन गाड़ियों की थोड़ी बहुत बाकी जो गाड़ियों के प्रिंसिपल से उनसे थोड़ी अलग ही होती है। सो अभी आपको इसका हुड खोल के दिखा देता हूँ, हुड खोल के दिखा देता हूँ भाई। ये भैया टाइट है थोड़ा सा यार, आइयो आवाज़ सुनो फैन की कितनी आवाज़ करता है इसका, एक ही फ़ैन है वो डबल स्पीड पे चलता है। बोलो ये इसका इंजन है 1.2, आवाज़ देखो कितनी कर रहा है। ये इसका फ़ैन है जो इतनी आवाज़ कर रहा है एंड देखनी पड़ेगी कि आवाज़ किस चीज़ की आई थोड़ी सी, या फिर कुछ कूलेंट आ गए एंड देख लो कैसा इंजन है इसका। आप देख सकते हैं छोटा सा इंजन है ये बट बक्ता अच्छा है यार। ये यहाँ पे इंसुलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ी पकड़ पकड़ बंद कर दो। अच्छा मैं आपको टायर साइज बता देता, क्या है इसका 185/65 15 इंची के टायर्स है बट सही है यार, लॉन्ग लेज भी अच्छा लगता है मुझे इस गाड़ी का। बता दे सेकंड हैंड गाड़ी तो एंटीना वेंटीना टूटा हुआ। हाँ देखो यार सेकंड हैंड लिए तो ये देखो ये एंटीना नहीं है, बल्ब नहीं डले हुए। ये देखो ये देखो ये देखो ये मैं दिखा देखो खुल गई है इसे, नहीं सेंसर यार लगे हुए बढ़िया लगे हुए यहाँ पे लगवाए हुए, कोई बात नहीं है वो तो देख लेंगे है ना। चलो यार गर्मी बहुत है, मतलब इतनी भी हम गर्मी में हैं तब भी फटाफट अच्छी कूलिंग वूलिंग फेंकते हैं। ये अब देख 2 हफ्ता हुआ है गाड़ी को लिए हुए तो अभी देखना पड़ेगा ना क्या क्या है। अभी जो मुझे सब जो जैसा लगा वो मैंने बता दिया, बाकी मैं अभी POV वीडियो बनाऊंगा उसमें आगे चल के और दिखाऊंगा। सो जी यहाँ तक था मेरा रिव्यू पोलो का, आपको कैसा लगा बताइएगा। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी की क्या लगी, इसका हॉर्न बहुत तेज है भाई। चलो भाई तो भाई चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को प्लीज़, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को ताकि यार सपोर्ट मिले। सो जी तभी जैसे आप सपोर्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी यार वीडियो बनाने में मज़ा भी आएगा हमें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं करेंगे तो यार कहाँ से कुछ मदद मिलेगी ना। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए चैनल को ताकि मैं और कुछ कर पाऊँ चैनल, मतलब एटलीस्ट मेरा मोनेटाइज होता चैनल यार, मोनेटाइज करवा दो प्लीज़। ओके चलो बाद में आपको बताता हूँ उस गाड़ी के बारे में कुछ कुछ। थैंक यू, बाय बाय।